है, जोश ही जोश, जोश ही जोश दिखाई दे रहा है। सब लोगों ने फूल से मार मार करके हमको और तगड़ा बना दिया। इंडियन आर्मी में चला गया था और 28-30 साल की उम्र में मेरे को उन इलाकों में काम करने का मौका मिला जहाँ पे सबसे ज्यादा आपदाएं आती हैं, जहाँ पे सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा आज इस देश में आतंक फैल रखा है। हर फौजी की इच्छा होती है कि उसे ना ऐसे जगह काम करने का मौका मिले। थोड़ा सा भावुक होकर के बोलना शुरू करा तो दिख रहा था किस प्रकार का जोश है। आप लोगों ने जो तालियां बजाई और जिस तरीके से सब मोबाइल लेकर के और तिरंगे को खड़ा करके ऐसे ऊपर और यहाँ बैठे हुए हैं, और उससे पहले जब मैं रथ में चढ़ा, मैं तो बाद में पहुंचा ऊपर, पर उत्तराखंड हमारे देश की जो भविष्य है, तो क्या हुआ कि नया नया मेजर अजय कोटिया उस टाइम पे वहां पे गया था, तो होता क्या है, नए आदमी को एकदम से आतंकवादी ऑपरेशन में नहीं जाना चाहिए, पुरानों को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि पुरानों का एक्सपीरियंस होता है, जानकारी होती है, उनको वाकफियत होती है जगह से। लेकिन मेजर अजय कोटियाल अपने को हीरो बनता हुआ, और में उसे बोलते हैं लाइट मशीन गन, बड़ा हथियार होता है, आगे ना फिर ट्राइपॉड होता है, उसे लिटाओ, उसमें 30 गोलियां आती है, और घोड़ा दबाओ तो 300 गज तक एक घोड़ा दबाने से 28 गोलियां एक साथ निकलती है, 30 गोलियां एक साथ निकलती है, और 300 मीटर तक अगर के जो मेरे सिपाही थे वो ना बेचारे चिंतित हो रहे, कह रहे देखो सर को कितना दुख हो रहा होगा कि इतना सिंपल था ऑपरेशन, था इतना आसान था, लेकिन नहीं कर पाए। खैर हो गया, एक मेरे ना सिखलाई हो गई। अब कोई 20-25 दिन के बाद में, तब तक बीच में हमारे कुछ और आतंकवादियों से मुठभेड़ होती रही, कुछ मरे भी, जिसमें जैसे अभी शहनाज भाई बोलता था ऐसे ही हमको गोलियां भी लगी जो हमारे शरीर में है अभी भी। अब कोई 20-25 दिन के बाद में दोबारा मौका मिला, इस बार भी हम 7 लोग थे और हम आतंकवादी ड्रेस में, कुर्ता पजामा दाढ़ी और उन्हीं की तरह हथियार लेकर के, और हम भी जब घूम रहे तो 7 आतंकवादी थे इस बार, वही लड़के। इस बार उन्होंने क्या करा कि सर हम प्लान बनाएंगे, आप खाली जब पूरा प्लान बन जाएगा और जब गोली चलानी होगी तो आप खाली ऐसे इशारा करना ताली और हम फायर कर देंगे। तो मेरे को जाहिर भी कर दिया कि मैं ही सीनियर हूँ, मैं ही बॉस हूँ। उन्होंने प्लान बनाया, आतंकवादी आए, 16 गोलियां चलाई, 5 मिनट के अंदर इन्होंने पूरे 7 के 7 आतंकवादी मार दिए, और जब मार दिया उनको तो उसके बाद मेजर अजय कोटियाल को आगे कर दिया, उसका नाम आगे कर दिया और उसको ना कीर्ति चक्र मिल गया। मैं बताना चाह रहा हूँ इस उत्तराखंड की भूमि, इस उत्तराखंड के यूथ, युवा, इनकी जो ताकत है, इनके अंदर जो कुर्बानी की भावना है। अभी शहनाज भाई ने क्या बोला था, अपने पास एक रोटी नहीं है लेकिन दूसरों को निवाला खिला रहे हैं, ऐसे हैं उत्तराखंड जी। और वो मेरे को उस दिन देखने को मिला, क्योंकि असली करने वाले जो थे उस ऑपरेशन में, उन्होंने भी अपना नाम पीछे करके अजय कोटियाल का नाम आगे कर दिया। आज ना, आज हम उसी उत्तराखंड में हैं, और हम ही जैसे लोगों ने जब देखा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, या बगल में ही है ना हमारे उत्तर प्रदेश, सहारनपुर मिलता जुलता है तकरीबन, ये उत्तराखंड उसी उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था, और हमें लगता था कि यूपी सरकार जो लखनऊ में बैठी है वो शायद हमारी जो जरूरत है उनकी तरफ बहुत ध्यान नहीं देती। तो एक आंदोलन शुरू करा उत्तराखंडियों ने, हम सब उसमें कहीं ना कहीं शामिल रहे। 21 साल पहले जो आंदोलन की वजह से उत्तराखंड अलग बना था, तब हम सबकी इच्छा थी, हम सबकी सोच थी कि हमारा विधायक होगा, हमारी विधानसभा होगी, अधिकारी हमारे होंगे, तब उत्तराखंड ना अच्छे तरीके से आगे तरक्की करेगा। अब हो क्या गया 20-21 साल में, कभी बीजेपी रही, कभी कांग्रेस रही, और ये हम सबको पता है कि सारे के सारे हाल बुरे हो रहे थे। वो तो हम लोगों के अंदर ताकत है, इस बुरे हाल के बावजूद हम हंसते हैं, हम अपने देवी देवताओं, गुरुद्वारों, मस्जिदों में जाते हैं, सुकून लेते हैं, और उसके बाद शाम को खुश होकर के कोई ना कोई काम करते रहते हैं। अभी मेरे को ममता मैडम बता रही थी, यहाँ पे पास में एक गांव है हरिपुर, हरिपुर टोंगिया। देखो क्या मतलब, कोई समझने वाली बात है, आजादी 1947 में मिली थी, आज तक वो लोग वोट ही नहीं देते। ग्राम पंचायत की वोट नहीं होती सर, विधायक की वोट होती है वहाँ पे। बताओ वहाँ पे जब वोट ही नहीं हो रहे हैं तो आज हमारा अधिकार, मतलब अभी भी क्या हम जंगल में रह रहे हैं?
मतलब कोई ना कोई वोट जो है, वो बात बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है, अगर ये हालत है तो फिर हम कर क्या रहे हैं। और वही वाली बात कि जो 20-21 साल पहले आंदोलन के बाद उत्तराखंड अलग हुआ था और हमारी बेसिक सुविधाएं अभी तक नहीं दी पाई, तो क्या हमें उस जगह की तरफ नहीं देखना चाहिए जिसे बोलते हैं दिल्ली, जो कि राजनीतिक लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की जो होती है उसका सबसे बड़ा, तो क्या हमें बीजेपी कांग्रेस के जो लोग हैं उन्हीं की बातों में फंसे रहना चाहिए क्योंकि अपना फायदा देख रहे हैं, या कहीं ना कहीं हमें जरूर नए मॉडल को ट्राई करना चाहिए अपने उत्तराखंड में जो कि साबित हो चुका है। और यही सोच करके कर्नल अजय कोठियाल जो एक नेता नहीं है, एक पॉलिटिशियन नहीं है और ना कभी नेता पॉलिटिशियन बन सकता है जो कि नेता पॉलिटिशियन की परिभाषा होती है, जो कि फौज में रह करके खाली एक ही चीज सीख पाया, डिसीजन लेने का, फैसला लेने का जो तरीका, और वही फैसला लेने का तरीका क्योंकि कर्नल अजय कोठियाल को केदार बाबा के इलाके में आपदा के बाद जब काम करने का मौका मिला तो केदार बाबा ने अजय कोठियाल को कोई जादू का डंडा नहीं दिया है कि तथास्तु फकीर हो जाएगी, लेकिन उसने एक चीज सिखाई कि 22 किलोमीटर की जो दूरी थी सोनप्रयाग से लेकर मंदिर तक, जहाँ सब कुछ टूट चुका था, जहाँ पे जब हम सबसे पहले गए तो छोटे बच्चे की खोपड़ियां मिलती थी, वहां पे एक महिला, एक बुजुर्ग, बच्चे, घोड़े एक साथ सड़े हुए पड़े हुए हैं वो देखने को मिलता था उस जगह की। अजय कोठियाल अगर जा रहा है केदारनाथ में काम करने नहीं चल पाएगी, उस टाइम पे करके दिखाया, तो अजय कोठियाल ना वहां से ये सीख के आया है कि ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है हमारे उत्तराखंड में आज, कितनी भी बुरी हो, कितने बादल फटे, कितनी आपदाएं आए, लेकिन हर काम संभव है। अगर वो केदारनाथ में हो सकता तो और कौन सी जगह यहाँ पे नहीं हो सकता, ये हरिपुर जैसे उदाहरण अभी भी है, तो इसका मतलब तो कहीं ना कहीं हमारे काम करने के तरीके में गलती है। अगर हम ये सोच करके फौज छोड़ करके आए कि हमें वाकई में उत्तराखंड के निर्माण में कहीं ना कहीं अपना बड़ा योगदान देना चाहिए, जो हमारे एक्सपीरियंस है फौज के, जो हमारे साथ सारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ जो जनता है, और सबसे ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जी का जो गवर्नेंस का काम करने का जो मॉडल है जो साबित हो चुका है, तो क्यों नहीं घर पर बैठ करके हम क्या कर रहे हैं, हमें तो बाहर आना चाहिए और आकर के उस शब्द को जिसे राजनीति बोलते हैं उसमें कदम लेकर के और उत्तराखंड के नवनिर्माण की बात करनी चाहिए। आज आम आदमी पार्टी इसी कदम को लेकर के आगे को बढ़ रही है, लेकिन ये पार्टी वो पार्टी नहीं है कि इलेक्शन से 4 महीने पहले बोलना शुरू कर देगी कि मैं तो रोजगार भी दूंगा, मैं तो तुम्हारा स्वास्थ्य की सुविधाएं भी अच्छी करूंगा, मैं तुम्हारे को शिक्षा भी अच्छी दूंगा, मैं तुमको विदेश की तरह इस उत्तराखंड को बना दूंगा। आखिरी के 4 महीने में आम आदमी पार्टी कैंपेन मतलब हर मुद्दे को जनता को समझाना चाहती है कि जब हम पावर में आएंगे तो किस तरीके से करेंगे, और क्योंकि ये चीज़ें जो मुद्दे हैं ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में साबित कर चुकी है, तो वो ना वही का वही उदाहरण यहाँ देने की कोशिश करती है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त आम आदमी पार्टी ने बोला, तो पता लड़ाई शुरू हो गई बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी कहती है हम भी कोशिश करेंगे देखेंगे, कांग्रेस बोलती है हो ही नहीं सकता है। हमने क्या बताने की कोशिश करी है कि दिल्ली जैसी जगह जहाँ पे की बिजली दिल्ली सरकार खरीदती है पहले तो, और उसके बाद भी अपनी जनता को जो कि उनका अधिकार है उसको मुफ्त दे सकती है, और उत्तराखंड जहाँ से बिजली पैदा होती है वहाँ पे हम बिजली में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें तो उल्टा बिजली का यहाँ पे मुफ्त के बाद में अलग से पैसा मिलना चाहिए जनता को कि अपने बच्चे को पढ़ा 500 रुपये एक्स्ट्रा तेरे को मिलने चाहिए। जब वो मॉडल साबित हो चुका है दिल्ली में इसमें तो किसी को शक ही नहीं होगा कि वाकई में दिल्ली में जैसे मुफ्त बिजली मिल रही है उत्तराखंड में क्यों नहीं मिल सकती उसी सरकारी बजट से। एक मिनट सब चुप होंगे एक मिनट। मेरी बात सुनना जरूर, हम बिजली के मुद्दे पे बोल रहे हैं तो बिजली कट गई उत्तराखंड से, आवाज आ रही आवाज चालू कर केवल हमारी गई है बाहर की आ रही है।
अरे आवाज देखो क्या बात है, बिजली पैदा होती है उत्तराखंड में और जब बिजली चली गई तो दिल्ली के भरे हुए जनरेटर से हम उत्तराखंड में बिजली से आप बात कर रहे हैं आप सबके साथ में, ये हमारी स्थिति है। लेकिन हम इस स्थिति को ये नहीं लेंगे कि हम हताश हो गए हैं। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ जो पहले बोल रहा था उसी को आगे करता हूँ कि हम हर कैंपेन के मुद्दे को समझाएंगे। अब हमने बात करी रोजगार की, तो उससे पहले मैं यहाँ पे प्रवीण भाई बैठे हैं जो हमारे विधायक हैं दिल्ली से, इन्होंने जो शब्द बोले थे मैं थोड़ा इनको ना इनके शब्दों को करेक्शन देना चाहता हूँ। ये आपसे पूछ रहे थे दिल्ली में कांग्रेस को और 5 बीजेपी को यहाँ पे विधायक रहने की हम छूट देंगे, हम पूरे नहीं तो फिर वो यहाँ से ना भाग करके और कहीं और जाकर के दोबारा लड़ाई शुरू कर देंगे, तो कुछ यहाँ रहने चाहिए। अब हम बात कर रहे थे कि हर युवा को, हर लड़की को जो 18 से 35 साल का है उसको रोजगार की हम बात कर रहे थे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने क्योंकि दिल्ली में साबित करके दिखाया और मेरे से और हमारी टीम से डिस्कस करा कि उत्तराखंड में तो संसाधन जो है ना और ज्यादा है, तो यहाँ पे रोजगार कैसे दिए जा सकते हैं। और उसके बाद में जो दिल्ली में भी नहीं करा उन्होंने वो यहाँ पे करने की बात कर रहे हैं और अच्छे तरीके से। हर परिवार में एक लड़का या लड़की जो 18 से 35 साल का होगा उसको परमानेंट रोजगार दिया जाएगा, ये उन्होंने बोला। इसमें मुश्किल क्या है, ये तो कोई बहुत बड़ी चीज है ही। जब तक वो रोजगार नहीं दिया जाता तब तक 5,000 रुपए महीना हर महीने रोजगार भत्ता दिया जाएगा। अब 5,000 रुपए हर महीने रोजगार भत्ता देने का क्या मतलब है? मान लो यहाँ का एक लड़का है इस इलाके का, वो जाकर के शहर में पढ़ता है, तो उसको आधी चिंता होती है कि हम 3 लड़के 4 लड़के मिलकर कमरे में रहें ताकि कमरे का किराया बचे। तो वो ना इसी सोच में फिर उसके बाद में खाना हम मिल करके बनाएं, तो उस सोच में वो अपनी तैयारी तो कर ही नहीं पाता। यहाँ जो रोजगार भत्ते की बात हो रही है, कम से कम वो लड़का और लड़की अपनी जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको कम से कम कुछ पैसे जब तक कि उनको नौकरी नहीं मिलती वो मिल रहे हैं ताकि अपनी चिंताएं छोड़े और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें या ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दें। लेकिन साथ में जब हम बोल रहे हैं कि 5,000 रुपये महीना भत्ता, तो हमने कैलकुलेशन करी, हमने गणित करी, तो टोटल क्या हो रहा है, हमने कहा 8 लाख लड़के लड़कियाँ होंगे जिनको 5,000 रुपये महीना मिलेगा। और जब 8 लाख लड़के लड़कियों को हम देंगे 5,000 रुपये महीना, तो हमारा एक साल का कोई 4,800 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है, जो कि हमारे पूरा जो देश का उत्तराखंड का बजट है उसका कुल 8 उसमें भीड़ आती है। तो ये लड़के लड़की गाइड का काम करें, जब हम सरकार में होंगे तो सरकार की तरफ से भेजे हुए, हो सकता है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा कोई मेला हो रहा हो उस मेले को ऑर्गेनाइज करें। आजकल आप देख रहे हो कि हर साल उत्तराखंड में गर्मियों के टाइम पे पूरे जंगलों में आग लगती है, इतनी ज़्यादा वन संपत्ति बर्बाद होती है, छोटे छोटे जानवर चिड़ियाँ उड़ जाती हैं, लेकिन जो घोंसले में जो उसके अंडा है ना छोटा चूजा है वो जलता है उसमें क्योंकि हिल ही नहीं पाता। सांप कोई खतरनाक जानवर नहीं है, हिरण तो भाग जाता है लेकिन सांप बेचारा जल जल के मरता है। उसका इतना ज़्यादा जो नुकसान होता है हर बार कोई 3,000 करोड़ 2,500 करोड़ साल का, अगर हम इन 8 लड़कों में से जिनको हम रोजगार भत्ता दे रहे हैं 1 लाख को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग दे के तैयार करें, फायर फाइटिंग ड्रिल आग बुझाने की जो ड्रिल होती है एक्सरसाइज होती है जो कि फौज में तो मेरे को बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया है, और हम जो आग लगती है उससे अगर 50% की हम बचत कर लेना जल्दी बुझा के आग को, तो हमारा तो वैसे ही जो हम भत्ता दे रहे हैं वैसे ही फ्री हो जाता है। पता है इतनी छोटी सिंपल चीज़ है कि उसको सरकार पता नहीं क्यों सोच नहीं पा रही है। हम ये कह रहे हैं कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी अपने सारे मुद्दे सरकार जनता के सामने रखेगी कि पावर में आने के बाद हम कैसे इन्हें पूरा करेंगे। आज जो स्कूल है जो हॉस्पिटल है आम आदमी पार्टी ने बहुत बढ़िया मॉडल साबित करके दिखाया दिल्ली में। अगर दिल्ली में हो सकता है तो यहाँ उत्तराखंड में क्यों नहीं हो सकता, यहाँ पे भी वो सब चीज़ें हैं, यहाँ पे डॉक्टर हैं, फैसिलिटीज अवेलेबल है, जगह है, खाली बस सोच नहीं है। उस सोच को लाने के लिए हम अभी जो कैंपेन है उसमें सबको समझाएंगे कि किस तरीके से हॉस्पिटल और किस तरीके से अपनी शिक्षा उसके उसको हम यहाँ पे पूरा करेंगे। भ्रष्टाचार, अगर भ्रष्टाचार को कर्नल अजय को 50,000 में 10 परिवार चल सकते हैं तो मतलब 1,50,000 में 30 परिवार चल सकते हैं, और अजय कोठियाल को अकेले आदमियों को अकेले को
1.5 लाख रुपए महीने की पेंशन मिलती है जो कि 30 परिवार के बराबर है। तो आज अगर मैं ये चीज बोलूं कि हम ये सब जो सुविधाएं हमारे को सरकार ने दे रखी है, हमारे गारंटी अवार्ड आतंकवादी मार्ग में और जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से, तो क्या मेरे को भ्रष्टाचार को उत्तराखंड में हिट नहीं करना चाहिए? जब आतंकवादियों को लड़ने में हमें मजा आता था तब हम वर्दी में थे, देश के लिए लड़ते थे। आज हमें इतना मजा आ रहा है ना हर चीज को, हर मुद्दे को सीखने के लिए, क्योंकि आज हम अपने उत्तराखंड के लिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को बुरा नहीं बोलेंगे, हम किसी इंसान को भी नहीं बोलेंगे अगर वो बीजेपी या कांग्रेस का है कि तू अपनी पार्टी की सोच विचार को छोड़, लेकिन हम उसे जरूर एक चीज बोलना चाहेंगे क्योंकि उसके बच्चे भी 20 साल के 15 साल के हैं। और जब 20 साल का बच्चा बोलता है कि मैं 20 साल का हो गया, देखो मेरे को पता नहीं मेरे भविष्य में मैंने क्या करना है, साथ में वो ये बोलता है कि मेरा जो छोटा भाई है वो 15 साल का है, 5 साल के बाद में वो 20 साल का हो जाएगा, लेकिन 5 साल के बाद में जब वो भी 20 साल का हो जाएगा और उसे भी नहीं पता होगा कि उसके भविष्य का क्या है, तो फिर कहीं ना कहीं हमको, चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हो, हमें सोचने की जरूरत है कि हमें पार्टी को केदारनाथ के कहीं गुफा में जाकर के बैठ जाएंगे। पर एक बार जो ये मौका आ रखा है, इस मौके को हमने छोड़ना नहीं है। अगर इस मौके को हमने छोड़ा तो शायद हो सकता है ये मौका ना जिंदगी में कभी दोबारा आए ना। इस टाइम पे एक लहर बन रखी है, हर किसी के अंदर इच्छा है, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं वो वाकई में चिंतित हैं। हमें खाली हंस हंस के कैरम बोर्ड खेल करके खुश नहीं रहना है, हमें अपनी ताकत को बढ़ाना है, उसके साथ हंसना है, उसके साथ कैरम बोर्ड भी खेलना है। ये जो बचे हुए 120 दिन है, इस 120 दिन में हमने अपने घर की तरफ भी देखा है, लेकिन आसपास इतनी दूरियां रखती है ताकि कम से कम हम लोग मरें जब सामने से गोली चलेगी, कहीं ग्रेनेड फेंक दिया, कहीं बम फेंक दिया, तो दूरियां रहें तो आसपास रहते ना पास तो एकदम से मर सकते हैं। उस तैयारी के साथ जब भारतीय सेना की टुकड़ी पाकिस्तान पर अटैक करने जाती है उसकी पोस्ट पे, और सामने से पाकिस्तान की तरफ से गोली ही नहीं चले, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं कि भारतीय सेना की टुकड़ी जा रही है सीधे इस दिशा में, लेकिन वहाँ तो पाकिस्तान की पोस्ट है ही नहीं, वो तो यहाँ थी, इसका मतलब हमारी दिशा ही गलत है। और दूसरा कारण हो सकता है कि पाकिस्तानी इंतजार कर रहा है, जब नज़दीक आओगे और नज़दीक आओगे एम्बुल में फंसोगे तब फायर करूँगा। आम आदमी पार्टी का देखो, इस पार्टी ने, क्योंकि ये सब हो रहा है